Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल आरबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को हम दो अलग अलग फ़ोन में कैसे यूज़ करें, मैं आपको वही बताने वाला हूं इस वीडियो में। एक ही मोबाइल नंबर को हम दो अलग अलग फ़ोन में एक ही व्हाट्सएप बना के यूज़ करें, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना। वैसे मैं बता दूँ, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, इसकी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना। आपको प्ले स्टोर में ये ऐप्स नहीं मिलने वाला। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं आपको वहाँ पे तीन ऑप्शन देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको इसको परमिशन देनी होगी। परमिशन देने के बाद आपको व्हाट्स स्कैन पे चले जाना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको इसको नीचे थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, जैसे इस तरह का। इसके बाद इसको आपको दूसरे फ़ोन में चले जाना है और दूसरे फ़ोन को में आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप में आने के बाद आपको इस तीन डॉट पे चले जाना है। वहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, व्हाट्सएप वेब, उसको आपको ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको एक QR कोड का बोलेगा, आपको वहीं वो जो अभी QR कोड दिखा रहा था उसको आपको स्कैन कर लेना है दूसरे मोबाइल में, है ना। तो आप अच्छे से वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाए, वरना ये आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको जैसे मैंने आपको उस ऐप्स में बताया था कि आपको उस ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद एक QR कोड देखेगा, आपको दूसरे फ़ोन में जाके उस QR कोड को आपको इस फ़ोन में स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपका व्हाट्सएप वहीं पे आ जाएगा, जैसे मैं आप अभी देख रहे हैं। तो जैसे मैंने स्कैन कर लिया है, उसके बाद मेरा उस मोबाइल का पूरा व्हाट्सएप वहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आप चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं, किसी का फ़ोटो भी देख सकते हैं और आप रिप्ले भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी एड आएगी, उसको जे लेना। आप चाहें तो किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, तो वो मैसेज आपको उस व्हाट्सएप में भी चले जाएगा और इस व्हाट्सएप में भी आ जाएगा। अभी हम दूसरे व्हाट्सएप से एक मैसेज भेजेंगे, उसके बाद हम उस ऐप्स में आके देखेंगे हमें वो मैसेज मिलता है या नहीं मिलता। तो जैसे मैंने एक ग्रुप ओपन कर लिया है, ग्रुप ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद एक मैसेज सेंड करता हूँ, जैसे आपको पता चले हमें मैसेज मिला या नहीं मिला। तो जैसे मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हाय लिख देता हूँ। अभी हम दूसरे ऐप्स में चले जाते हैं, जिसे हमने अभी इंस्टॉल किया था, उस ऐप्स में जाके देखते हैं कि हमें मैसेज ये देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी हम दूसरे व्हाट्सएप में आ चुके हैं और ये हमें मैसेज देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी हमने हाई मैसेज किया था और ये अभी हमें हाई मैसेज मिल चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप डुप्लीकेट है, जैसे ऊपर लिखा है स्कैन वाला ऐप्स। तो ये स्कैन वाला ऐप से वहाँ से हमें ये देखने को मैसेज मिल सकता है। उसके बाद हम चाहें तो हम दूसरा मैसेज भी भेज सकते हैं, जैसे मैं आपको एक भेज के दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम दूसरा भी मैसेज भेज सकते हैं। और मैं आपको दूसरे फ़ोन में देखता हूँ वहाँ पे मैसेज हमारा आया या नहीं आया। तो जैसे अभी हमने हेलो लिखा था, वो डायरेक्ट उस फ़ोन में भी आ चुका है, जैसा आप लाइव देख रहे हैं, ना। अब मैं आपको दिखा दूँ इसे ऑफ कैसे करना है। तो जैसे हमने व्हाट्सएप पे जाके हमें व्हाट्स वेब पे चले जाना है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे वहाँ पे लिखा आ रहा है कि अभी आप एक अकाउंट के साथ लॉगिन है, जैसे क्रोम ब्राउजर का एक्टिव बता रहा है, तो हम उस अकाउंट से लॉगिन है। तो उसके बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, लॉग आउट फॉर ऑल डिवाइस, आपको वहाँ पे उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक बाद करने के बाद वहाँ पे आपको कंफर्म मैसेज के लिए एक बार दोबारा बोलेगा कि आप कंफर्म हो कि आपको लॉग आउट करना है, तो आपको दोबारा लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जितने भी अकाउंट से ऐसे ही लॉग इन किया रखा होगा, तो वहाँ सारे अकाउंट से आपका लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी डेटा चेक नहीं कर सकता। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे।